स्वास्थ्य की। गुर्दे मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो पसलियों के नीचे होते हैं। गुर्दे हमारे शरीर से हानिकारक तत्वों को अलग करते हैं और कई महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर गुर्दे ठीक से काम ना करें तो व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने लगती है। मधुमेह के प्रभाव से अगर गुर्दे काम करना बंद कर दें तो इस अवस्था को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसे कैसे बचाव किया जाए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किडनी फेलियर यानी गुर्दों का कार्य करना बंद कर देना एक गंभीर स्थिति है जिसके कई कारण हो सकते हैं। मधुमेह गुर्दे फेल होने का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज जब कुछ वर्ष तक रहती है और अगर ब्लड शुगर उसके कंट्रोल नहीं है, वो किडनी के ऊपर असर डालना शुरू कर देती है। जो नेफ्रॉन्स के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो वो थिकन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो एल्ब्यूमिन है वो फिल्टर होना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोटीनूरिया और एल्ब्यूमिनूरिया। यूरिन में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है तो किडनी की डिटोरेशन शुरू हो जाती है। उससे फिर आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, फिर पानी की रिटेंशन शुरू होगी और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी तो फिर उसके चेहरे पर सूजन, पैरों में सूजन, भूख नहीं लगना, उल्टियां वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। रक्त में शर्करा का स्तर अनियंत्रित रहने पर धीरे धीरे मधुमेह रोगी के गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं और डायलिसिस करवाने की आवश्यकता होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए अपना जो शुगर जो है उसका लेवल बिल्कुल कम से कम रखें। एचएसबी और एएनसी का जो लेवल है वो 7 या और प्रेफरेबली और 6.5 से कम रहना चाहिए और हर 3 महीने में पेशेंट को अपना यूरिन एग्जामिनेशन कराना चाहिए फॉर माइक्रो एल्बुमिनूरिया। और जैसे ही माइक्रो एल्बुमिनूरिया आता है तो उसको सर्टन दवाइयां दी जाती हैं जिसको एएस इनहिबिटर या एआरबीएस बोलते हैं, ताकि इसकी जो फर्दर प्रोटीन की जो फिल्ट्रेशन है वो रोकी जा सके और क्रॉनिक किडनी डिजीज को रोका जा सके। मधुमेह के रोगियों को नियमित जांच करवानी चाहिए। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित रखने से मधुमेह रोगियों में गुर्दे प्रभावित होने से रोका जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।